भर में ट्रैवलिंग करने वाले टूरिस्ट की संख्या पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब इंडिया में भी ट्रैवल इंडस्ट्री बूम पर है। ऐसे में अगर आपको भी ट्रैवलिंग पसंद है और आप इसी फील्ड में अपना करियर बनाने की सोचते हैं तो टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आप अपने पसंद के फील्ड में शानदार करियर अपॉर्चुनिटीज पा सकेंगे। इसलिए आज आपको क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्स से जुड़ी सभी खास जानकारियां लेते हैं। टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्स करने वाले कैंडिडेट को टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े एरियाज की स्टडी करवाई जाती है, जैसे टूरिस्ट रिजॉर्ट प्लानिंग, एनवायरनमेंट, फूड सर्विस मैनेजमेंट, इकोलॉजी और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ताकि कैंडिडेट टूरिज्म इंडस्ट्री के सभी इम्पोर्टेंट एरियाज को कवर कर सके और इस फील्ड में अच्छी सर्विस दे करके अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जा सके। टूर एंड ट्रैवल हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं और जो कैंडिडेट्स इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इससे जुड़ा कोर्स कर सकते हैं। जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में से कोई भी हो सकता है। तो आइए अब इन कोर्सेज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है सर्टिफिकेट कोर्स। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स की ड्यूरेशन 3 से 6 महीने होती है, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल हो सकती है। कुछ कॉलेजेस में ये कोर्स 1 साल का भी होता है। बात करें क्राइटेरिया की तो टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए कैंडिडेट का 10+2 एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम के कैंडिडेट्स इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात हो एडमिशन प्रोसेस की तो सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन 12th क्लास के मार्क्स के बेस पर होता है। और टॉप जॉब एरियाज की बात की जाए तो सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद कैंडिडेट हेरिटेज साइट्स, हॉलीडे पार्क्स, म्यूजियम्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जॉब पा सकते हैं। जॉब ऑप्शंस की आगे बात की जाए तो सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद कैंडिडेट टूर ऑपरेटर, मैनेजमेंट ट्रेनी, ट्रैवल कंसल्टेंट, फ्रीलांसर ट्रैवल कंसल्टेंट, ट्रैवल एग्जीक्यूटिव जैसे जॉब ऑप्शंस में बेस्ट ऑप्शन पा सकते हैं। आगे बात करते हैं टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए कुछ बेहतरीन कॉलेजेस की लिस्ट की तो इन कॉलेजेस में है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत, कालिंदी कॉलेज दिल्ली, जगन्नाथ रथी वोकेशनल गाइडेंस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे, मुंबई कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी मुंबई, HR इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट गाजियाबाद। तो इनमें से किसी भी कॉलेज से आप ये कोर्स कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि सैलरी कितनी होगी तो सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद कैंडिडेट शुरू में 8 से 10 हजार पर मंथ अर्न कर सकते हैं। दूसरा आगे है डिप्लोमा कोर्स। और अगर इसकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो अगर आप टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्स में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इस कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल की होती है। कुछ कॉलेजेस में ये ड्यूरेशन 6 महीने की भी हो सकती है। क्राइटेरिया की बात करें इस कोर्स को करने के लिए आपका 10+2 एग्जाम मिनिमम 50% मार्क के साथ क्लियर करना जरूरी है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इस कोर्स में एडमिशन मेरिट बेस पर भी हो सकता है और एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर भी। टॉप रिक्रूटिंग एरियाज की बात करें तो इस कोर्स को करने के बाद कैंडिडेट ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म ऑपरेटिंग फर्म्स, रिजॉर्ट्स एंड होटल्स, एविएशन इंडस्ट्री और कंसल्टेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। जॉब ऑप्शन की बात की जाए तो डिप्लोमा कोर्स करने वाले कैंडिडेट के लिए टूर ऑपरेटर, ट्रैवल कंसल्टेंट, टूर मैनेजर, टूर एनालिस्ट, प्रोग्राम एनालिस्ट और ट्रैवल प्लानर जैसे जॉब ऑप्शंस खुल जाते हैं। पॉपुलर कोर्सेज की बात की जाए तो डिप्लोमा कोर्स करने के लिए कुछ बेहतरीन कॉलेजेस है IIFLY एविएशन ट्रेनिंग सेंटर मुंबई, KES श्रॉफ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक एंड एविएशन मैनेजमेंट न्यू दिल्ली, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब। यहाँ से आप किसी भी कॉलेज से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। सैलरी की जहाँ तक बात है तो डिप्लोमा कोर्स करने के बाद कैंडिडेट फ्रेशर के तौर पर 10 से 15 हजार हर महीने अर्न कर सकता है। और आगे तीसरे कोर्स की बात करते हैं जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का अंडर ग्रेजुएट कोर्स कैंडिडेट्स को बहुत सारे ऑप्शंस देता है। बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, BA इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, BBA इन टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, BA टूरिज्म स्टडीज, BA ऑनर्स ट्रैवल एंड टूरिज्म, BSc इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, BSc एयरलाइंस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये डिग्री कोर्स जनरली 3 साल का होता है। और क्राइटेरिया की बात की जाए तो टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए कैंडिडेट का 10+2 क्लास क्लियर करना बहुत जरूरी है, जिसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा बहुत से इंस्टीट्यूट के द्वारा हिंदी लैंग्वेज में फ्लुएंसी और
इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी कमांड की भी जरूरत होती है। वैसे इसके एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एग्जाम ज्यादातर कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम से होते हैं, और एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो इस कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना होता है। रिक्रूटिंग एरियाज की बात की जाए तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ट्रैवल एजेंसीज, टूरिज्म कंपनीज, होटल, रेस्टोरेंट्स और आईटी कंपनीज में करियर ऑप्शन वो चुन सकते हैं। और जॉब ऑप्शंस की जहां तक बात है तो इस कोर्स को करने वाले कैंडिडेट के पास ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल कंसल्टेंट, टूरिज्म मैनेजर, टूर ऑपरेशन मैनेजर, ट्रैवल कोऑर्डिनेटर जैसे जॉब ऑप्शंस आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए कुछ बेहतरीन कॉलेजेस ये है: एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी CU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट गुजरात। तो जहां तक सैलरी की बात है तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने वाले कैंडिडेट फ्रेशर के तौर पर 15,000 से 18,000 हर महीने अर्न कर सकते हैं। तो टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद कैंडिडेट इसमें 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें उन्हें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि MSc टूरिज्म, MSc हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, MSc इन एयरलाइंस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, MSc होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, MA ट्रैवल एंड टूरिज्म, MA इन टूरिज्म, MBA इन होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, MBA इन टूरिज्म मैनेजमेंट। तो ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना जरूरी है। बहुत से कॉलेजेस ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देते हैं जो टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में ग्रेजुएट होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में PhD भी की जा सकती है। और टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए एक कैंडिडेट में कुछ खास स्किल्स का होना बहुत जरूरी होता है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम स्पिरिट, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिव एटीट्यूड, पैशन फॉर वर्क, पोलाइट नेचर एंड डेडिकेशन, कस्टमर ओरिएंटेड एंड मल्टी टास्क अप्रोच। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्सेज से जुड़ी खास जानकारियां मिल गई होगी और आप समझ गए होंगे कि अगर आपको घूमना फिरना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है, साथ ही अच्छा होस्ट बनकर के टूरिस्ट को गुड फैसिलिटीज और कम्फर्टेबल एनवायरमेंट देना अच्छा लगता है, तो आपको इस फील्ड में अपना करियर जरूर बनाना चाहिए। और जहां तक इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात है तो टूरिस्ट बिजनेस इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसीलिए इस बूमिंग इंडस्ट्री में आप अच्छे से कदम रख सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ इसे बाकी लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और आगे किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी हमें लिख भेजिए। इसी के साथ अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके ये जो घंटी दिख रही है ना आपको, एग्जैक्टली आपको इसे प्रेस कर देना है। बाकी काम आप हम पर छोड़ दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, टाइम टाइम पर जानकारियां मिलती रहेगी। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान और खुश रहिए। धन्यवाद।